सब्सक्राइब कीजिए प्रकाश चौहान चैनल को और बेल आइकन को दबाएं टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, जब आप व्हाट्सएप में किसी को भी वॉइस मैसेज भेजते हैं तो आपको माइक को होल्ड करना पड़ता था। और दोस्तों, व्हाट्सएप जल्दी ही इसमें अपडेट लेकर आने वाला है। वो अपडेट क्या है ये जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहिए। मेरा नाम है प्रकाश, आप देख रहे हैं प्रकाश चौहान यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, WhatsApp पर नजर रखने वाली वेबसाइट वेब बेटा इन्फो ने यह बताया है कि WhatsApp अपने वॉइस मैसेज वाले फीचर में जल्द ही बदलाव करेगा। और दोस्तों, अभी के लिए फीचर केवल अभी बीटा वर्जन में उपलब्ध है। और दोस्तों, ये बीटा वर्जन 2.18.71 में ही ये काम करता है अभी के लिए। और जब भी इसमें अपडेट आएगा तो सभी एंड्रॉइड यूजर इसका यूज कर पाएंगे। दोस्तों, ये अपडेट ये है कि जब आप किसी को भी मैसेज करते थे वॉइस मैसेज तो आपको माइक को होल्ड करके रखना पड़ता था। पर ये अपडेट आने के बाद आपको सिर्फ माइक को 5 सेकंड तक होल्ड करके रखना होगा, फिर आपके सामने एक लॉक का ऑप्शन आ जाएगा, फिर आपको उस पर क्लिक करना होगा तो ये माइक अपने आप ही होल्ड हो जाएगा और आप वॉइस मैसेज भेज पाएंगे। तो दोस्तों, इसके बाद भी ये नया अपडेट लाएगा जिससे आप वॉइस मैसेज भेजते हैं तो आपको वॉइस मैसेज भेजने से पहले आप उसको रीड कर पाएंगे, तो अगर वॉइस मैसेज गलत हुआ तो आप उसको डिलीट भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप जियो के फीचर फोन को यूज़ करते हैं तो आपको पता ही होगा कि उसमें व्हाट्सएप काम नहीं करता। पर दोस्तों, जल्दी ही व्हाट्सएप अपना एक ऐसा वर्जन लाने वाला है जो व्हाट्सएप का वर्जन लाने वाला है जिसको आप जियो के फीचर फोन में भी यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसी नई नई वीडियो देख पाएँ। थैंक यू दोस्तों।